हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दिस इज योर सेकंड चैप्टर। प्रिंसिपल्स होता क्या है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। हमारी लाइफ में कई सिद्धांत होते हैं जो हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं या हमारे एक्शंस उन पे बेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सिद्धांत है हम उधार में काम नहीं करेंगे या हम उधार नहीं लेंगे किसी से, तो हम उधार नहीं लेते हैं। या हम कोई भी अपना काम कराएंगे हम फ्री में नहीं कराएंगे, हम पैसा दे के उसकी कीमत अदा करके उस काम को कराएंगे। यह हमारा प्रिंसिपल है, तो वैसे हमारे एक्शंस भी रहेंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कोई हमारा काम फ्री में करे, हम पैसा प्रॉपर उसकी कॉस्ट दे के उस काम को कराएंगे। सो ये प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करती हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं। याद रखिएगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जनरल गाइडलाइंस होती हैं, डिसीजन लेते वक्त आपकी हेल्प करती हैं, एग्जैक्ट डिसीजन आपको नहीं बता सकती हैं और आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट या मैनेजमेंट जो भी मैनेजर्स करते हैं वो बिहेवियरल होता है नेचर में स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करता है। सो जनरल गाइडलाइंस होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एग्जैक्ट स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस नहीं होते। किस सिचुएशन में कैसे डील करना वो तो बता सकते हैं, मगर एग्जैक्टली ऐसा ही डील करो, एग्जैक्टली यही रिजल्ट होगा, ऐसा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ अप्लाई नहीं होता। सो बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ Which acts as guidelines for taking managerial actions and decisions. ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये आपके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने यहां से मार्क कर दें आपके गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजीरियल एक्शन एंड डिसीजन। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये गाइडलाइंस होती है जो आपको डिसीजन लेने में या आपके कोई भी आपको एक्शन लेना है उसमें आपकी मदद करती है, आपको गाइड करती है। एग्जैक्ट स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। जैसे मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन बेस्ड, हर आदमी अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट करता है और अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को क्रिएटिवली अप्लाई करता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, बहुत स्टैटिक नहीं होते हैं या एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। दे आर द बेसिक जनरल गाइडलाइंस विच अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, विच टेल्स हाउ टू डू मैनेज और हाउ टू मैनेज द थिंग्स। सो आगे देखिएगा, यहां पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स के बीच मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं। दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि बिहेवियरल होते हैं। अलग अलग ह्यूमन बींग्स पर हम लोग अप्लाई करते हैं अलग अलग तरीके से और हर मैनेजमेंट का या हर मैनेजर का अलग नजरिया होता है। बट दे आर रिजिड इन नेचर, दे आर क्वाइट स्टेटिक, एब्सोल्यूट होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। जैसे हिंदी में स्टेटमेंट होता है ना, जस का तस, टस से मस ना होना, वैसे ही है साइंस में भी इनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ। दे आर क्वाइट रिजिड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, चाहे जो भी सिचुएशन हो सेम प्रिंसिपल लगेगा। नेक्स्ट, दे आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी एज दे इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, इनको क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई करना पड़ता है। अलग अलग ह्यूमन बींग्स, अलग अलग कंट्री, अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, तो सारी चीज अलग होती है स्टूडेंट्स। इसलिए आपको क्रिएटिवली अलग सिचुएशंस को, लोगों का माइंडसेट देख के, किस जेंट्री के साथ आप डील कर रहे हैं, वैसे ही आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एब्सोल्यूट होते हैं, चाहे कैसी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे कैसे लोग क्यों ना हो, ये एग्जैक्टली जैसा बताया गया था वैसे ही अप्लाई होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। दे हैव टू कीप पेस विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी बहुत डायनेमिक नेचर के होते हैं, तो इनको कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है किसके साथ, स्टूडेंट्स, जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरमेंट में, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे लीगल हो, मगर आपको यू हैव टू कीप पेस विद देम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अलग अलग सिचुएशन को देख के ऊपर नीचे थोड़ा से चेंजेस और अमेंडमेंट के साथ अप्लाई किए जाते हैं, बट दे डोंट चेंज विद टाइम। ये जो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स हैं, दे डू नॉट चेंज विद टाइम, 100 साल पहले लगे चाहे 100 साल बाद लगे चाहे 200 साल बाद, वही रहेगा। ये चेंज समय के साथ नहीं होता है, ना ही चीजों को, समय के चेंजेस को ये अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स? देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए लिखा, दे आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, ये गाइडलाइंस की तरह होते हैं, मैनेजमेंट का जो भी एक्शन है उसको गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। There are the techniques and methods and procedures which involve series of steps. ध्यान से देखिए क्या कह रहा है।
ये टेक्निक्स होती है, मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, जिनमें कई सारे स्टेप्स और प्रोसीजर्स होते हैं गोल्स और एम्स के फुलफिलमेंट के। सो दे आर बेसिकली टेक्निक, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स जिनके अंदर काफी स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। अभी आप आगे पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मगर टेक्निक्स तो स्टेप्स और प्रोसीजर होते हैं, वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। और हमने देखा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली दे आर द जनरल गाइडलाइंस जो मैनेजमेंट के या मैनेजर के बिहेवियर को अफेक्ट करती है, उन्हें गाइड करती है, डायरेक्ट करती है। बस एक बात याद रखिएगा, दे आर नॉट द एग्जैक्ट स्टेप्स और प्रोसीजर टू डू समथिंग। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। बस ये याद रखिएगा, हर मैनेजर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अपने नजरिए से देखता है और क्रिएटिवली अप्लाई करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।